गाइज वैसे तो थैनोस ने आयरन मैन के सूट को डैमेज करके उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन इसके बाद भी थैनोस आयरन मैन को मारने के लिए उस पर इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने की कोशिश क्यों करता है, जबकि वो गार्डियंस और बाकी एवेंजर्स को मारना नहीं चाहता था। तो देखो यहाँ पर इसका रीजन ये है कि थैनोस को आयरन मैन के बारे में पहले से ही पता था और उसे ये भी पता था कि टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा जीनियस है, क्योंकि ये बात थैनोस ने ही टोनी को कही थी। स्टार्क, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ, ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। और इसलिए थैनोस को पता था कि अगर वो आयरन मैन को जिंदा छोड़ देता तब वो आगे चलकर थैनोस के स्नैप को बदलने के लिए कोई ना कोई कोशिश जरूर करता, जैसे कि उसने एंड गेम मूवी में किया था, क्योंकि आयरन मैन की वजह से ही अवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा पाए थे। और इसलिए थैनोस इन्फिनिटी स्टोन से आयरन मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था कि आयरन मैन के अलावा इस यूनिवर्स को कोई भी बचा नहीं सकता, और इसलिए वो आयरन मैन को बचाने के लिए थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है।